हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेके आए हो आप लोगों के लिए। देखिए कि कैसा, देखिए इसका आज इंजेक्टर चेंज होगा इस गाड़ी का और इंजन वायरिंग चेंज होगा। तो इंजन वायरिंग और इंजेक्टर क्यों चेंज हो रहा है वो आप लोगों को डिटेल्स में बता दूँगा, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि एक जो नया इंजेक्टर आया है इसका प्राइस भी ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका इंजेक्टर ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, इस गाड़ी का अल्फा बी एस सी का। तो फ्रेंड्स, इसका इंजन वायरिंग और इंजेक्टर क्यों चेंज हो रहा है वो बता रहा हूँ। देखिए, इसका इंजन वायरिंग 2-3 बार चेंज हुआ है, महीने में 2 बार चेंज हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए महिंद्रा से बोला कि इसका इंजेक्टर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने हम लोग एक गाड़ी में किया था इंजेक्टर चेंज और इंजन वायरिंग, तो वो गाड़ी अभी तक भी नहीं आया है, बहुत दिनों चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा अगर आपका गाड़ी में होगा तो आप लोग भी चेंज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग चेंज करके दिखाए, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नया इंजेक्टर में अभी लगाऊंगा, ठीक है, और इंजन वायरिंग भी लगाऊंगा। उसको लगाने के बाद आप लोग स्टार्ट करके भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा ग्रीस लगा के लगाना, ठीक है। तो इसमें अच्छे से कोई लीकेज विकेज नहीं होगा और अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं ग्रीस लगा के इसको लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ मेरा इसको चैनल को सपोर्ट करना, मेरा सब्सक्राइब भी थोड़ा कम है तो उसको बढ़ाना चाहिए। 1K हो जाएगा तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करने का कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि 1K नहीं होगा तो लाइव स्ट्रीम नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको अभी हम इसको बैठा रहे और इसका जो इसका 12 नंबर नट होता है, 12 नंबर नट से ये टाइट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको टाइट करने से पहले इसका जो मतलब जो प्रेशर पाइप का जो 14 नंबर है, जो देखिए प्रेशर पाइप है, उसको पहले इसको थ्रेड में फंसा लेंगे, उसके बाद 12 नंबर को टाइट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तभी ये लाइन हो जाए होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा फंसा लेंगे क्योंकि ब्लीडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो स्टार्ट होगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा, एयर ले लेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं तो इंजेक्टर लगा दिया हूँ, अभी इसका इंजन वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। तो इंजन वायरिंग भी चेंज करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी वीडियो है इस टॉपिक्स में, आप चाहे तो देख लीजिएगा, मैं चाहे तो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको अभी खोल रहा हूँ, ठीक है, एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इश्यू में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है। इश्यू में मतलब कितना धूल मिट्टी है, इसको साफ करके लगाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। और इसका इंजेक्टर में जो काबला लगता है उसमें भी गैप है, तो इसलिए इसका इंजन वायरिंग भी चेंज करना बोला है महिंद्रा से। तो फ्रेंड्स, अभी इसको पूरा खोल दिया हूँ, अभी नया इंजन वायरिंग देखिए मैं इसको लगाऊंगा, नया इंजन वायरिंग को, ठीक है। तो इसका देखिए, अभी एक हाथ से मैं वीडियो कर रहा हूँ इसलिए तकलीफ हो रहा है। तो इसको लगाने के बाद आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको ब्रीडिंग करके और स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, मैं तो इसके जो इशू है, इसका जो डैशबोर्ड का जो वायरिंग जाता है, इसका सब कुछ मैं लगा दिया वी एस एस का, ठीक है, सब कुछ अल्टरनेटर करंट सेंसर जो जो है इसमें पूरा लगा दिया हूँ। अभी नीचे में जो इंजेक्टर रेल है और कूलेंट टेम्परेचर है उसको अभी लगाना बाकी है, तो उसको लगा के आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी इसका जो ग्लो प्लग है उसको टाइट करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। ग्लो प्लग का जो नाट है तो है वो 7 नंबर जो नाट होता है, देखिए 7 नंबर, उसको टाइट करना पड़ेगा ये। और देखिए, इंजेक्टर तो मैं पूरा लगा दिया हूँ। अभी इसके बाद देखिए, रेल का जो कपलर है, इस तीनों को कपलर का लगाऊँगा। उसके पहले में ग्लो प्लग का जो मतलब ये इसे देखिए, ग्लो प्लग को कैसे फिटिंग करना पड़ेगा। देखिए, उसका जो वायर है इसमें, देखिए इसको थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा, ये देखिए ऐसे करके लगाएंगे तो नाट अच्छे से फंसेगा, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से फंस जाएगा।
और कोई दिक्कत नहीं होगा टाइट करने से। तो देखिए इसको अभी हम लगा दिया हो, अभी देखिए इसका जो रेल पेसर का जो कपड़ा है इसका लॉक देख के आप लोगों को लगाना पड़ेगा, ठीक है बहन। तो देखिए अभी तो इसको लगा रहा हो, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा आवाज़ होगा, एक लॉक जब लगेगा तो एक टिक करके आवाज़ होगा तो समझेगा कि इसका लॉक हो गया है, ठीक है बहन। तो देखिए इसको अभी कूलिंग टेम्परेचर का जो कवलर है उसको भी लगा रहा हूँ और इसके बाद इंजेक्टर का भी लगा दूंगा। और देखिए 7 नंबर, देखिए टाइट करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, एक हाथ में टाइट करो, कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसे कर मोड़ लीजिएगा और टाइट कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है बेटे। देखिए एक हाथ से मैं वीडियो कर रहा हूँ और इसको काम भी कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है बेटे। आप लोग ही मेरा चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई कमेंट ठीक से नहीं कर रहे, ज़्यादा करके कमेंट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा करके मतलब इसको व्यू मेरा कम है बहुत, ठीक है, सब्सक्राइब भी कम है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए तभी तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो अभी इसका देखिए ओवरफ्लो जो पाइप होता है इंजेक्टर का, उसको फिटिंग करना आसान है, मुझे थोड़ा तकलीफ होता है कि इसका लॉक ठीक से नहीं होता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा घुमा कर, देखिए ऐसे करके घुमा के, ठीक है, इसको मतलब लगाना पड़ता है तो आसानी से लॉक हो जाएगा। देखिए लॉक हो गया है, तब इसका देखिए ब्लीडिंग करना पड़ेगा नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसको ब्लीडिंग करेंगे, देखिए थोड़ा सा ढीला कर दिया हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स सब कुछ फिटिंग कर दिया हो, देखिए यहाँ पर देखिए सब कुछ फिटिंग कर दिया हो, इंजन वायरिंग फिटिंग कर दिया हो और इंजेक्टर भी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसका जो ब्लीडिंग होता है मतलब जो इंजेक्टर के से हवा निकलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसका नया इंजेक्टर लगाया हो तो इसके लिए ब्लीडिंग करना पड़ेगा। तो ब्लीडिंग करके आप लोग को स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। नाउ तो फ्रेंड्स अभी तो इसका ब्लीडिंग कर दिया, और देखिए यहाँ पर यहाँ से इंजेक्टर का जो गोड़ा है वो मतलब इंजेक्टर में जो प्रेशर पाइप लगता है 14 नंबर जो नाट से लगता है, ठीक है, उसका वहाँ से ब्लीडिंग कर दिया हो, ठीक है। अभी इसको स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाऊँगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है फ्रेंड्स। वन के अगर सब्सक्राइब होगा तो आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी इसका बार बार सेल्फ लेने मतलब सेल्फ में स्टार्ट करने से क्या हो रहा है, जब स्टार्ट नहीं होगा तो मैक्सिमम फॉल्ट ड्यूर हो जाएगा और सेल्फ मिसिंग हो जाएगा तो सेल्फ नहीं लेगा, तो इजीली थोड़ा देर टाइम लेके मतलब इसको टाइम लेना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली तो स्टार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक लाइक कर देगा, ठीक है।